बहुत मजा आ रहा है। ये ट्रेन लग रही है कि जैसे रॉयल ट्रेन थी, इस पे सिंबल रॉयल का लग रहा है, राजस्थान रॉयल्स। क्यों ऐसा आ रहा है? उससे भी बड़े, ये उससे भी बड़ा इंजन है। माय गॉड, इसका इंजन देखिए कहाँ से शुरू कहाँ खत्म। शीप, बकरी, भेड़ बकरी ले जाने के लिए इस तरह की ट्रेन पहले हुआ करती थी। यहाँ पे पूरा वही एक्सपीरियंस आ रहा है जैसे कि हम ही ट्रेन चला रहे हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आए हैं दिल्ली के रेलवे म्यूजियम घूमने के लिए। ये इंडिया का पहला रेलवे म्यूजियम है। इसकी ओपनिंग 1 फरवरी 1977 में हुई थी और ये 11 एकड़ लैंड में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको इंडिया के 166 ईयर्स की हिस्ट्री के जितनी भी रेल सीनी उनका सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जॉय ट्रेन है, टॉय ट्रेन है, डीजल सिमुलेटर, स्टीम सिमुलेटर, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, आज मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आपको मेरी बेटी से। इसका नाम शताक्षी है और ये 6 साल की है। तो नेशनल रेलवे म्यूजियम दिल्ली के चाणक्यपुरी प्लेस पे है। यहाँ पर आप इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है धौला कुआं पिंक लाइन, जो कि यहाँ से 4.7 किलोमीटर दूर है। और आप वहाँ पे धौला कुआं उतर के वहाँ पे विया ऑटो भी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग स्पेस है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पे पेड पार्किंग है। यहाँ पे फूड कियोस्क और कैफे भी है जो कि आगे चल के हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जॉन मॉरिस फायर इंजन है। ये 1914 का बिल्ड है और इसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल अवार्ड्स इन 1981, 83, स्टेट्समैन चैलेंज ट्रॉफी, JMAI ट्रॉफी, इंडियन ऑयल ट्रॉफी। तो गाइस, अब हम जॉय ट्रेन में बैठ गए हैं और ये डीजल ट्रेन है, तो बहुत ही आवाज़ करती है। चलिए आपको भी साथ साथ घुमाते हैं। यहाँ भी साथ में एक ट्रेन का इंजन खड़ा हुआ है जो कि काफी पुराना लग रहा है, आई थिंक 100 ईयर्स ओल्ड। यहाँ भी बहुत से इंजन खड़े हैं, आप देख सकते हैं। इस पे आई थिंक एनिमल्स को ले जाया जाता होगा। और ये है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, बहुत ही पुरानी लग रही है ये। बहुत ही पुराने पुराने इंजन यहाँ पे डिस्प्ले के रखे हुए हैं जिनके साथ आप अपनी फोटोज क्लिक करा सकते हैं, आप इन्हें यहाँ पे देख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत ही आई थिंक 100 ईयर्स ओल्ड ये एक स्टीम इंजन है। ऑल्दो यहाँ पे आई थिंक अलाउड नहीं है, बट मैं फिर भी मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है।
ये ट्रेन लग रही है कि जैसे रॉयल ट्रेन थी, इस पे सिंबल रॉयल का लग रहा है, राजस्थान रॉयल्स QSRR, अच्छा OSRR, आओ। लकड़ी से देखने का पता चल रहा है कि ये बहुत ही पुरानी है, बट यहाँ कहीं लिखा नहीं है एक्चुअली कि ये कितने साल पुरानी इस ट्रेन का इंजन है और ये क्या है। यहाँ फिर ये एक इंजन है जो कि बहुत ही पुराना लग रहा है। तो ये इंजन 1935 में बिल्ड हुआ था और आउट ऑफ सर्विस 1978 में हो गया था। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लकड़ी और लोहे का काम है और बहुत ही भारी और बहुत ही बढ़िया लोहा है, जिसमें कि आज भी आप देख पा रहे होंगे कि इतना ब्यूटीफुली इसको बिल्ड किया गया है। ये लीवर, यहाँ पे आई थिंक कोयला रखा जाता होगा, यहाँ छोटा सा दरवाजा है जिससे पीछे की तरफ जाया जा सकता है। आपको मजा आ रहा है, आपको यहाँ पे सीखने को भी मिल रहा है इंडियन हिस्ट्री में कैसी कैसी ट्रेन चलती थी, कैसे कैसे इंजन आपको मिलते थे। उससे भी बड़े, ये उससे भी बड़ा इंजन है, माय गॉड। इसका इंजन देखिए कहाँ से शुरू कहाँ खत्म, बहुत ही बड़ा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे शीप, बकरी, भेड़ बकरी ले जाने के लिए इस तरह की ट्रेन पहले हुआ करती थी, जो कि हवादार होती थी, जिससे कि उनको हवा भी आती रहे और स्पेशियस इतनी होती थी जिससे मल्टीपल बकरियाँ, भेड़े यहाँ पर ले जाई जा सकें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रेन के। तो गाइज अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए, तो ये यहाँ का कैफेटेरिया है इस म्यूजियम का और यहाँ से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। चलिए चल के कुछ खाया पिया जाए। आओ आ जाओ। तो इसके मेन्यू में चाइनीज, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, डेजर्ट सब कुछ है। 5% GST भी एक्स्ट्रा आफ्टर दिस प्राइस लिस्ट। तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? वेज मिलता तो वेज ही खाएंगे। तो गाइज अब हम जा रहे हैं नेशनल रेल म्यूजियम इंडोर गैलरी में, जहाँ पे रेलवे की हिस्ट्री के बारे में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं। तो गाइज अभी हम हैं डीजल सिमुलेटर में। यहाँ पर हमको अपना खुद कैसे ट्रेन चलानी है इसके पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है अभी यहाँ के एम्प्लॉयज के द्वारा, और यहाँ पर पूरा कंट्रोल दिया गया है कैसे आपको ब्रेक लगाने, कैसे आपको अपना चेंज करना है आपको गियर, कैसे आपको स्टॉप करना है, कैसे आपको हॉर्न देना है, यहाँ पर सब चीज़ हमें बताई गई है। यहाँ पर पूरा वही एक्सपीरियंस आ रहा है जैसे कि हम ही ट्रेन चला रहे हैं, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो डीजल सिमुलेटर के लिए, आपको 150 रुपये की अलग से टिकट लेनी होगी। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं, हम ट्रेन चला रहे हैं, जैसा आपका ड्राइवर ही होता होगा ना, जस्ट लाइक दैट। बहुत ही मज़ा आ रहा है, आप जब भी रेलवे म्यूजियम आए आप ये टिकट ज़रूर लें और ये एक्सपीरियंस ज़रूर करें, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। सुरंग में आ गए हम, बाहर आ गए। फुल स्पीड, अभी इसकी स्पीड 110 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉरवर्ड में गाड़ी चल रही है, 4 गियर है इसका। पूरा यहाँ पर आपको ब्रेक पाइप पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या फ्यूल अभी आपका जा रहा है, कितना बचा है। हमें नेक्स्ट स्टेशन पे गाड़ी रोकनी है, तो मैं ये ब्रेक लगा रही हूँ अब।
देख सकते हैं। पहले के ज़माने में ब्रिजेस बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती थी, क्योंकि पहले इतनी मशीन्स नहीं होती थी, लोग खुद ही डीप डाइव करके वहाँ पर जाके और हाथियों की मदद से बनाने पड़ते थे हमें ब्रिजेस, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा करीब 40,000 लोगों ने, इंडियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी भोरघाट में, पुणे और मुंबई में जहाँ ब्रिज बन रहा था उसको करने के दौरान। वंदे भारत ट्रेन का रेप्लिका, ये ट्रेन 15 फरवरी 2019 में पहली बार चली थी। ये इंडिया की पहली सेमी फास्टेस्ट ट्रेन है जो कि इंडिया में ही बनाई गई है। देखने में इसका रेप्लिका बिल्कुल उसी की तरह है। तो ये चिनाब नदी पर बना ब्रिज वर्ल्ड का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है, जिसे बनने में करीब 18 साल लग गए। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन KRCL ने बनाया है, जो कि रेलवे मिनिस्ट्री का ही पार्ट है। जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों में रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए इस पुल को बनाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हैंड पेंटेड फनागी पेंटिंग, और जब भी मेट की पेंटिंग बनाई हुई है। आज तक लाइफ में मेरी एक भी ट्रेन नहीं छूटी है। ये दोनों ही फिल्म्स में रेलवे का ट्रैक है, इसलिए आई थिंक इसकी बनाई गई है शूटिंग की। बहुत ही सुंदर। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। तो गाइस, रेल म्यूजियम के खुलने का टाइम है फ्रॉम 10 to 5 PM, और 4:30 बजे यहाँ पे लास्ट आप एंट्री कर सकते हैं। 5:30 बजे तक आई थिंक यहाँ पे सबको जाने को कह दिया जाता है। इस म्यूजियम में का आने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पर फन एक्टिविटीज़ हैं फॉर किड्स एज वेल एज फॉर एडल्ट, और यहाँ पर खाने के लिए कैफेटेरिया भी है। वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके लिए, जैसे कि मैंने बताया ही था। और आपको जॉय ट्रेन, अभी फिलहाल यहाँ पे टॉय ट्रेन नहीं चल रही है, और यहाँ पे स्टीम सिमुलेटर भी नहीं चल रहा है। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हमारा था डीजल सिमुलेटर का, क्योंकि उसमें आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा जैसे कि आप खुद ही ट्रेन चला रहे हैं, जैसे कि ड्राइवर हैं आप। उसमें ब्रेक्स आपके, आपका गियर्स, आपको अगर कोई सामने कोई आ जाए तो आप हॉर्न प्रेस कर सकते हैं, और वो सामने से आपको इमेज में ऐसा लगेगा कि वो हट गया है। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। 150 रुपये की अलग से टिकट लेनी पड़ती है आपको डीजल सिमुलेटर के लिए, और मैं तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप डीजल सिमुलेटर लें और उसका एक्सपीरियंस लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपके लिए और नई नई वीडियोज़ लाने की जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी। आई नो कि मेरी वीडियोज़ में आजकल बहुत ज़्यादा गैप आने लगा है, बट कांट हेल्प इट, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। We were playing with fire.